पंत प्रधान नरेंद्र मोदी के हाथों हाल ही में अयोध्या के श्रीराम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इसके बाद दुनिया भर के राम भक्तों में खुशियों का माहौल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुणे के गणेश भक्तों ने बप्पा के आगमन पर राम मंदिर की सजावट की है और राम मंदिर में बन रहे मंदिर की प्रतिकृति अपने घर में बनाई है। सोशल मीडिया पर इस राम मंदिर का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और काफी चर्चा बढ़ रहा है। इस साल के गणेश उत्सव में बड़े पंडालों में कोरोना महामारी के चलते कोई भी सजावट देखने को नहीं मिली, लेकिन घरों में बप्पा के विराजमान होने के बाद भक्तों ने उनका बखूबी स्वागत किया है। पुणे के मावल परिसर में रहने वाले रघुवीर शिलार नामक व्यक्ति के घर बप्पा विराजमान हुए। उनके स्वागत के लिए रघुवीर शिलार ने उनके परिवार वालों ने राम मंदिर की प्रतिकृति बनाकर सभी का दिल जीत लिया। इस प्रतिकृति को बनाने के लिए किसी भी प्लास्टिक या फिर बाहरी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। घर में पड़े थर्माकोल और अन्य साधनों से ये प्रतिकृति बनाई गई है। मंदिर की ऊंचाई 5 फीट और लंबाई 6 फीट है। मंदिर के लिए 140 खंभे बनाए गए हैं। मंदिर के पहले स्टेप पर राम लला की मूर्ति स्थापित की गई है। वहीं ऊपर राम दरबार बनाया गया है। ये सजावट देखकर हर किसी को यही लग रहा है कि राम मंदिर ऐसा ही बना होगा। हमारे पूरे भारत देश से ही नहीं पूरे विश्व से करोड़ों राम भक्तों की आस थी, सबकी भक्ति थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। इस साल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उसका भूमि पूजन कुछ दिनों पहले हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों राम भक्त वहाँ पे जाके उस आनंद उत्सव में सहभागी नहीं हो पाए। उसी वजह से हम लोगों ने वो आनंद कैसा युक्त करने का, तो हम सभी शेलर परिवार, हमारा जॉइंट फैमिली है, हमने तय किया कि इस बार गणेश उत्सव आ रहा है तो घर पे है, सबको टाइम है, तो एक अच्छा सा राम मंदिर हमारे घर में ही बनाए और भगवान राम जी का आदर्श लेके हमारा फैमिली चलती है। हम जॉइंट फैमिली में काम सब लोग रहते हैं, 40 लोग एक ही घर में रहते हैं, 10 भाई हैं हम सब लोग। तो हमने भगवान राम ने जैसे अपने चारों भाइयों को प्रेम से रखा, जैसे उन्होंने अपनी पत्नी के लिए रावण से जाके लड़कर उनको रावण का वध करके उनको छुड़ा कर लाया, और जिस प्रकार उन्होंने जनता की हर बात को अग्रगण्य रखे, जनता के सुख को अग्रगण्य रखे, एक राम राज्य स्थापित किया, उस राम राज्य की संकल्पना को लेके हमने एक राम मंदिर बनाया है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है उसी तरह से हुबेहू हमने राम मंदिर बनाया है। उसमें भी 3 मंजिला है, 5 कलश है, उसके साथ 140 खंभे हैं और ऊपर अच्छी ध्वजा है, और इस मंदिर के रक्षण के लिए ऊपर हनुमान जी का पहारा है और साथ में अंदर राम जी की अच्छी मूर्ति प्रतिष्ठापना की है, और साथ में आज हमारे घर में भगवान गणेश जी और गौरी जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी हम लोग तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, उनकी भी आरस कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSRS न्यूज़, पुणे, महाराष्ट्र।